तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पहुंच चुका हूं नैनीताल के सामने, नैनीताल की। तो देखिए इस तरीके से लोग आपको बैठे हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, रेस्ट फरमा रहे हैं और कहीं हम भी जा और हवा भी का। और उसमें ना जो प्राइस है उसमें कम प्राइस है। तो देखिए इस टाइम मैं फुटपाथ में हूँ, फुटपाथ का जो टाइमिंग है 5 बजे से वेबसाइट मिल जाएगी। और उसमें मैं बता दूँ उसमें वेदर है, दिन में धूप होने पर हल्का सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वैसे शाम हो। तो यहाँ से देखिए फुटपाथ का कुछ ऐसा नज़ारा है, पर्यटक हमने घूम ही रहे हैं समय 5 बजे से। चलो दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करते हो आप लोग ठीक हो। एक नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान ली, और जो आजकल ब्लॉग फिर से नैनीताल के टूरिज्म के उस पर पर्यटक के उसमें, और दिखाने वाला हूँ नैनीताल में कैसा क्राउड है, कैसा वेदर बना हुआ, कितने पर्यटक नैनीताल में आ रहे हैं। क्योंकि जून का महीना चल रहा है, सीजन बहुत अच्छा चल रहा है नैनीताल में, काफ़ी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो आप लोग एसी की हवा से महसूस कर रहे होंगे ठंडी हवा, लेकिन हम नेचुरल हवा महसूस कर रहे हैं। और इस टाइम मैं लेक के पास ही बैठा हूँ, बोट्स में बैठा हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं आज ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग पर बने रहेगा स्क्रीन के बाद देखना। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पहुँच चुका हूँ नैनीताल के सामने, नैनीताल के लेक के पास, और यहाँ पर से कुछ इस तरीके से क्राउड नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी अच्छी भीड़ है नैनीताल में, और जैसा मैं देख रहा हूँ कि पानी का लेवल और थोड़ा सा कम हो गया है, और काफ़ी बोट्स चल रही हैं, आप देख ही रहे हैं सामने काफ़ी बोट्स चल रही हैं। तो कुछ इस तरीके से है नज़ारा, ये देख सकते हैं आप लोग। और जो फुटपाथ की दुकान है अभी नहीं खुली हुई है, इसका जो समय 4 बजे से है, तो ये देख सकते हैं 4 बजे से भी नहीं खुली है आजकल, 2 टाइम मैंने देखा तो कोई मुझे खुली भी दिखी नहीं। तो कुछ इस तरीके से भीड़ भाड़ नज़र आ रही है, देख सकते हैं आप लोग ये। तो ये बोलते हैं नैनीताल की फुटपाथ यहाँ पर, तो 4 बजे से दुकानें लग जाती हैं यहाँ पर। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे देखते हैं कि नीचे कैसा नज़ारा है। तो देखिए इस तरीके से लोग आपको बैठे हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, रेस्ट फरमा रहे हैं, और कहीं हम भी जाते हैं ना तो हम भी रेस्ट करते हैं, बैठते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिट्टी कट गई है पूरी, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से आपको पर्यटक नज़र आ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से आज भीड़ भाड़ नज़र आ रही है। क्योंकि भाई साहब प्लेन्स पे तो टेम्परेचर बहुत जा रहा है, नैनीताल में 30-31 टेम्परेचर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है, मिट्टी कटने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया यहाँ पे देखिए। अब बरसात होगी तो फिर से लावालाव होगी, अभी तो फिलहाल ऐसी है। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से पर्यटक आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं ये, और हवा भी काफ़ी अच्छी चलती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब आपको जैसे एसी से हवा मिलती है ना, यहाँ नेचुरल हवा मिल रही है। तो देखिए मैं कितना आगे तक आ गया हूँ, तो पूरा पानी पूरा यहाँ तक आ गया है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ तक आ गया पानी है। और यहाँ से देख सकते हैं आप इस तरीके से सामने है बोट हाउस क्लब, और यह यार्ड बोट। तो जब ये लेक में चलती है तो इसकी सुंदरता तो और बढ़ जाती है लेक की। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है नज़ारा, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से देख सकते हैं कि कितना मिट्टी कटने का, इधर भी कट गई इधर भी कट गई, बीच से पानी आया भाई। तो देखिए इस टाइम मैं फुटपाथ में हूँ, फुटपाथ का जो टाइमिंग है 5 बजे से हो गई है फुटपाथ में दुकानें खुलने की। तो कुछ इस तरीके से अभी आपको फुटपाथ नज़र आ रही है, और जो उसकी टाइमिंग है 5 बजे से खुलती हैं दुकानें, अभी पूछा मैंने 5 बजे तक आपको ऐसे घूमना पड़ेगा यहाँ पे। तो 5 बजे से अब दुकानें लगेंगी, तब जाके आप कुछ ख़रीदारी करेंगे फुटपाथ में। तो अभी आप देख रहे हैं, और जहाँ पे सूरज है वहाँ पर बादल आ चुके हैं, ये तो धूप चली गई है अभी। तो अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से है फुटपाथ का नज़ारा, और इधर है बैंड हाउस। तो बैंड हाउस में जाके आप लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, और लेक को देख सकते हैं। और यहाँ पे पुलिस बैंड के द्वारा म्यूजिकल सिस्टम होता था 6 बजे से सीज़न में, लेकिन पता नहीं इस साल हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी कुछ पता नहीं। और आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ और है, वो गुड न्यूज़ अभी मैं आपको बताता हूँ कि अब आपको होटल बुक करने के लिए एक यहाँ के जो होटल एसोसिएशन है उन्होंने एक वेबसाइट जारी की है। उस वेबसाइट में आप जब जाएंगे तो आपको सारे होटल के नाम मिल जाएंगे, उनके नंबर मिल जाएंगे, और आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और उनसे अपना रूम बुक कर सकते हैं, उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अगर आप लोग कहेंगे तो वो वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो उस वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी वेबसाइट, और उससे फिर आप अपने
होटल सर्च कर सकते हैं उसके, मैंने आज सर्च करा तो उसके जो होटल हैं उनके नीचे नंबर भी दिए गए हैं होटल वालों के, तो उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा होटलों के लिए, आपको घर बैठे वेबसाइट मिल जाएगी। और उसमें मैं बता दूँ उसमें ना जो प्राइस है उसमें कम प्राइस है, जैसा और वेबसाइट से करते हैं तो महंगे होटल के रूम बुक हो जाते हैं, ये जो होटल एसोसिएशन ने जो वेबसाइट जारी की है इसमें आपको कम प्राइस में होटल बुक हो जाएंगे। तो सारी होटल की लिस्ट है, उनके नंबर हैं, आप कैरी कर सकते हैं, तो ये तो आपके लिए अच्छा है। तो वो वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उनसे सर्च कर सकते हैं अगर आप लोग कहेंगे कॉमेंट में। तो चलिए बैक कैमरे से फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ से देखिए फुटपाथ का कुछ ऐसा नज़ारा है, पर्यटक हमने घूम ही रहे हैं, समय 5 बजे से इसका दुकानें खुलने का, यहाँ पर जो दुकानें लगती है सारी 5 बजे से लगेंगी। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेलिंग लगी है, जाली लगी है, और यहाँ पे कुछ लाइटिंग लगाई जाएगी, तो काफ़ी पूरी लगी है उधर तक। और यहाँ से देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके से फील्ड, DSA फील्ड, और सामने जामा मस्जिद, नगर पालिका, DSA का ऑफिस, और देखिए कुछ इस तरीके से नज़ारा है। क्रिकेट पता नहीं कब तक चलेगा यार, हॉकी होता तो मज़ा आ जाता, ऑल इंडिया हॉकी कप होता था ना तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो कुछ इस तरीके से आपको फील्ड का नज़ारा दिखने को मिल रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैपिटल सिनेमा हॉल के पास कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और पार्क के अंदर तो जो लोग जा रहे हैं तो इससे अच्छा ही गेट खोल ही देते तो कम से कम लोगों को सहूलियत हो जाती जाने में, लेकिन कुछ इस तरीके से लोग जा रहे हैं देख लीजिए। तो यहाँ पे रेलिंग टूटी हुई तो यहाँ से आना जाना कर रहे हैं, तो इससे बड़े तो खोल ही देते, नुकसान तो वैसे भी होना था, वैसे भी होना हो ही रहा है। तो पर्यटक तो जा ही रहे हैं, देखिए काफ़ी अच्छे तो उस संख्या में पर्यटक अंदर हैं, झूला झूल रहे हैं। अब गेट अगर खोल देते तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता। तो कुछ इस तरीके से देखिए नज़ारा है, और इधर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग, तो लेक का नज़ारा कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं सामने बोट से। तो भाई नैनीताल में बहुत अच्छा मौसम हो रही है। तो इस टाइम मैं आया हूँ बहू भाई की शॉप में, और जैसा आप देख रहे हैं कि नैनीताल का वेदर, नैनीताल का क्राउड, नैनीताल का सीजन, तो हमसे बेहतर हमारे बहू सर बता सकते हैं कि कैसा नैनीताल में सीजन चल रहा है। तो काफ़ी हल्का है, मतलब कि भीड़ भाड़ थोड़ा कम है जी, और दिनों के मुकाबले काफ़ी कम हो रहा है। काफ़ी एक हफ्ते पहले काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा जाम था, इस वक्त थोड़ा नॉर्मल है, आप आ सकते हैं। वेदर तो बहुत ही अच्छा वेदर है, दिन में धूप होने पर हल्का सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, वैसे शाम होते ही बहुत ही प्यारा मौसम। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे संग सदाब भाई भी हैं, तो इनका टैक्सी का काम है। तो सदाब भाई कैसा काम चल रहा है सीजन में? नैनीताल के अंदर कभी इतना, मतलब जैसे हर साल माशाल्लाह से इतना क्राउड रहता था और कस्टमर बहुत ज़्यादा, टूरिज्म का काम भी होता था, पर इस बार ऐसा पहली बार नैनीताल के अंदर हो रहा है। आज 3 जून हो गई और 3 जून के दिन इतना कम जो हमारे नैनीताल के अंदर क्राउड है। पर दोस्तों उसी के साथ ना शाम को इतनी भीड़ होती जा रही है, 4 से 5 बजे के बीच में जो भीड़ भरना चालू होती है 9 बजे तक, बहुत ज़्यादा नैनीताल के अंदर ट्रैफिक होता है। पर इतनी भीड़ कहाँ से आ जाती है ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं पता चल रहा है। पर और दिन में दोस्तों नैनीताल खाली खाली से आप लोगों को जैसे जगह जगह पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इतनी भीड़ नज़र नहीं आती है, पर शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और मैंने अपना ब्लॉग भी बनाया था कि कितनी ख़तरनाक यहाँ पे भीड़ थी, जैसे बारिश हो रही थी लोग बाहर निकल निकल के अपने रूमों की तरफ भाग रहे थे, पर दिन में ऐसा कुछ नहीं है। पर इस बार पता नहीं क्या हुआ दोस्तों नैनीताल के अंदर कि इतनी कम भीड़ क्यों आ रही है, इसका तो दोस्तों बिल्कुल भी हमें अभी पता नहीं चल रहा। जी जी, लेकिन जो भीड़ भाड़ थोड़ा बहुत अगर क्राउड भी है तो उसमें आप लोगों का रोज़गार कैसे चल रहा है? रोज़गार ऐसा है जो हमारे नैनीताल में घूमने के नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लोकल के भाई लोग ही आ रहे हैं घूमने के लिए, मतलब सुबह आ रहे हैं शाम को चले जा रहे हैं। जैसे अपना रामनगर हो गया, रामपुर हो गया, काशीपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, और अपना बरेली हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, और अपना ये हल्द्वानी, रुद्रपुर, यहाँ से सब लोग आते हैं, सुबह को आते हैं यहाँ पे 6-7 बजे यहाँ पहुँच जाते हैं, शाम तक पूरा अपने घूमते हैं यहाँ पे, उसके बाद अपने घर को निकल जाते हैं। पर दोस्तों अभी दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और बम्बई, चंडीगढ़, इधर के बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं, तो पर्यटक कम आता है क्योंकि उनके लिए सुविधा हम दे नहीं पा रहे और मिल नहीं पा रहा। जी जी, ये कहीं ना कहीं ये संकोच होता है क्योंकि यहाँ सुविधा मांगता है, क्योंकि पार्किंग नहीं है यहाँ पर, तो उसके कारण काफी कटौती मुझे होती हुई दिखाई दे रहा है। तो प्लेन्स में दोस्तों इतना भीषण गर्मी पड़ा है, तो टूरिस्ट कहीं भी पहाड़ों में इधर उधर भाग रहा है, जो इतना गर्मी देखो वहाँ
45 प्लस डिग्री चल रहा है बिल्कुल, तो बिल्कुल। कोई पूरी बना रहा है, कोई पापड़ सेक रहा है, कोई आमलेट बना रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो जी, इतनी गर्मी है वहाँ, यहाँ कम से कम अभी 28-29 डिग्री अभी दिन पे रहता है, शाम को नॉर्मल 12-13 डिग्री पे आप लोग बिल्कुल टी शर्ट पे कोई भी वो नहीं, शाम को बहुत ही सिरसिरा हुआ, बहुत ही अच्छा वेदर है, तो आप लोग प्लान कर सकते हैं आने के लिए नैनीताल में, ये मैं कहना चाहूँ। तो शुक्रिया आपका मेरे ब्लॉग में आने के लिए। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको नैनीताल की हसीन वादियाँ। तो ये देखिए हमारी नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक, तो हमें बोट्स कितनी चल रही है और वेदर देख सकते हैं। और इसी के संग हमारे फिर से बड़े भाई आ चुके हैं, तो जब नैनीताल में सीजन चल रहा है तो आप नैनीताल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं नैनीताल के बारे में कहना चाहूँगा कि इसमें जो परफेक्ट सीजन जून मई और जून में जो चल रहा है, मैं देख रहा हूँ लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक पहुँच रहे हैं और लेक सरोवर नदी का आनंद ले रहे हैं, स्पॉट्स का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर चहल पहलनी नजर है, शाम को माल रोड में जो 6 से 8 बजे तक माल रोड वाहन यातायात के लिए बंद रहती है, लोग की भीड़ में देख रहा हूँ कि पूरी माल रोड खड़ी रहती है, जिसमें चिल्ड्रन पार्क में भी बच्चे घूम ले रहे हैं और लोग। तो ये नैनीताल का वेदर काफ़ी अच्छा है, वेदर का इसमें वेदर भी अच्छा है, कैसे ऑक्सीजन मिल रही है और जो प्लेन से इसमें लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो नैनीताल सरोवर नगरी में, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी जी, और विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अगले वर्ष भी इस तरह से यहाँ पर पर्यटकों का आवागमन होते रहे, जिससे टैक्सी संचालक नाव संचालक जो है इनका कारोबार इसमें बढ़ रहा है, क्योंकि जुलाई से तो मानसून आ जाता है, वर्षा की ऋतु आ जाती है, तो उसमें से अभी जो गर्मी नीचे भीषण गर्मी जो नीचे भावर में पड़ रही है, तो लोग नैनीताल आ रहे हैं, लोग मेरा ये कहना है कि आप लोग नैनीताल आए, अवश्य आपका हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके मेरे ब्लॉग में आने के लिए शुक्रिया। तो फाइनली आज का ब्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया, आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अभी नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।